हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। और ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है। आजकल ख़राब लाइफस्टाइल, पोल्यूशन की वजह से गर्मियों में बहुत लोगों के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली, चिपचिपे फील करते हैं, बालों में कोई शाइन नहीं होती, बाल बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, आपके बाल की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो आप इस डीआईवाई रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है आपके बालों के लिए और आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस डीआईवाई रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी शैम्पू की। आपको कोई भी शैम्पू लेना है जो आप अपने बाल धोने के लिए रोज़ यूज़ करते हैं, आपको वही शैम्पू लेना है। मैं यहाँ पर बायोटेक का शैम्पू ले रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके बालों में शाइन लाने के लिए। अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हमें चाहिए लेमन। लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा आपके बालों में शाइन लेकर आएगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेमन के बाद हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जितना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है उतना ही बालों के लिए अच्छा है। ये आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों को लंबा घना बनाएगा। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए विटामिनी कैप्सूल। विटामिनी कैप्सूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके बालों के लिए शाइन बढ़ लाएगा और आपके बालों को लंबा घना और मजबूत बनाएगा। तो आपको एक बर्तन लेना है जिसमें आपको एक कप पानी ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पानी को हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो आपको इसमें एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस की आंच मीडियम रखनी है, आपको तेज़ नहीं रखनी है, आपको मीडियम आंच में ही इसको पकाना है। और आपको इस पानी को कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है ताकि कॉफ़ी का जितना भी फ्लेवर है वो पानी में अच्छे से चला जाए। तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है। ये हेयर रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मार्केट जाकर, पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराने के बजाय अगर आप घर में ही नेचुरल चीज़ें यूज़ करोगे अपने बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपके बालों को कोई हार्म भी नहीं होगा बल्कि आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल लंबे, घने, मजबूत होंगे, शाइनी होंगे, आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ होंगे। अगर आपके सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी कुछ ही टाइम में अगर आप इसे यूज़ करोगे तो। तो आपको क्या करना है, आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है और धीरे धीरे आपको इसे चलाते भी रहना है। और आपको गैस की आंच मीडियम ही रखनी है, आपको तेज़ आंच में इसे नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद आपको गैस ऑफ कर देनी है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये हमारा जो कॉफ़ी का जो पानी है वो ठंडा हो जाए तो आपको छलनी की हेल्प से इसे एक बोल में छान लेना है। तो मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का जो पानी है वो अच्छे से छान लिया है। तो देखिए इस तरीके का कलर आपका एकदम रेडी हो जाएगा जो कॉफ़ी का पानी है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसमें ऐड करना है 1/2 लेमन जूस, आपका आधा नींबू का रस इसमें ऐड करना है। नींबू का रस बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और लंबे घने हो जाएंगे। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जैसे जैसे इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करते जाए वैसे वैसे आपको इसे मिक्स करना है। लेमन जूस डालने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मार्केट के एलोवेरा जेल लिया। आप इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए और आपको इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, यह आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ बनाएगा, लंबा घना बनाएगा और आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 विटामिनी कैप्सूल। विटामिनी कैप्सूल बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके बालों के लिए, या आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी, बालों को शाइनी बनाएगी। इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून शैम्पू। आपको कोई भी शैम्पू लेना है जो आप अपने बाल धोने के लिए यूज़ करते हैं आपको वही शैम्पू लेना है। मैं यहाँ पर बायोटेक का शैम्पू ले रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो उसमें ले सकते हैं। इसको भी आपको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो देखिए जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ऐसे झाग सा रेडी हो जाएगा जैसे आप शैम्पू। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप बाल धोने जाए, जिस दिन भी आपको बाल धोने हैं, उस टाइम आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों के नीचे तक लगाना है, अपने पूरे बालों की लेंथ में से अप्लाई करना है। और आप जब भी इसे अपने बालों में अप्लाई करें तो आपको मसाज करते हुए अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करते हुए इस रेमेडी को अच्छे से आप अप्लाई कीजिए। अपने बालों के पूरी लेंथ पर आपको इसे अप्लाई करना है, अपनी जड़ों से लेकर पूरी लेंथ पर अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप वाटर से अपना बाल अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। अगर आप इसे वीक में 2 बार भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको इसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।